50 साल हो गए मंत्री जी गुर्जरों को सरकारी कोटा मांगते हुए, मगर सिवाय झूठे दिलासे के कुछ हासिल नहीं हुआ हमें। और आपने भी अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल किया। चुनाव के पहले तो गांव में आकर हाथ जोड़कर हमसे वोट मांगते थे, और चुनाव जीतने के बाद हमसे मिलने से भी मना कर दिया आप। मैं गुर्जरों के एहसानों को भूला नहीं हूं, इसीलिए तो आप लोगों ने जब रेल की पटरियां तोड़ी तो उसके बावजूद मैंने आप लोगों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होने दी। जैसे ये एहसान किया उसी तरह एक और एहसान कर दीजिए, गुर्जरों को सरकारी कोटा दिलवा दीजिए, जिंदगी भर हम आपकी पूजा करते रहेंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो ठीक है मंत्री जी, हम आप पे भरोसा करके जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, गुर्जर बिरादरी आखिरी बार किसी नेता पे भरोसा कर रही है। सरकारी कोटा तो हम लेकर रहेंगे, हाथ जोड़कर या हाथ तोड़कर।